जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एकदम सस्ता से सस्ता बल्ब हम लोग बनाया जाए जो कि मात्र आपको 10 या 11 रुपया पड़ेगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया आपको नहीं पड़ने वाला है। और ये सिर्फ बाथरूम के लिए हो सकता है और किचन के लिए हो सकता है, मतलब जब बाथरूम जो होता है तो बाथरूम में लगाइए। क्यों? क्योंकि देखिए बाथरूम में ज़्यादा हमको लाइट ज़्यादा रोशनी जरूरत होता नहीं है, हमको रोशनी ये भी अच्छा दे देगा, अच्छा खासा रोशनी देगा, ज़्यादा भी कम नहीं देगा कि आपको मतलब दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखिए क्या करना कि हमको सस्ता में बहुत दिन तक चलना चाहिए टिकाऊ। देखिए मैंने अपना बाथरूम में खुद लगाया हुआ है तो ये अभी 6 महीना हो गया है। अगर आप इसको अगर अच्छा से चलाइएगा ना, इसका कुछ शर्त है, मैं इस वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरह से लगाइएगा, तो ये हो सकता है ये आपको 6 महीना से ज़्यादा पक्का चलाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि हमको देखिए हम इसमें MOV लगाएंगे। MOV से क्या होता है कि ये हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करेगा। और इसके ऊपर क्या है, हम हीट सिंक के ऊपर लगाएंगे। हीट सिंक के ऊपर लगाने से क्या होता है कि हमारा जो इसका जो लाइफ है वो इस बल्ब का वो बढ़ जाता है, क्योंकि हीट डिसिपेट होता है। ऐसे तो ये डायरेक्ट क्या होता है कि 220 वोल्ट पर चलता है, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। देखिए आपको 11 रुपये किस तरह से रहेगा, 10 रुपये वो मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये इस बल्ब का जो किट है, ये जो हमारा जो बल्ब है, इस किट को आप लोग बाजार से किनिएगा तो आपको ये 10 रुपये में पड़ेगा। 10 रुपये से आपको 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेगा। और ये तो आप किसी भी डिवाइस से MOV जो है इसका जो वैल्यू है वो हमारा 471 के है, ठीक है, उसको आपको ले लेना है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ आपके पास घर में ही रहेगा। अगर आप मान लीजिए कोई भी पुराना बल्ब है तो उस पुराना बल्ब को आप इस तरह से पूरा इसको मतलब कि निकाल दीजिए, उसमें हीट सिंक भी रहता है, उस हीट सिंक को निकाल लीजिए और कुछ भी नहीं लेना, मतलब कि ये सब तो पहले से ही रहता है ये सब चीज़। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एक वायर लेना है कहीं से, वायर इतना लंबा लेना है। और करना क्या है तो देखिए इन सबको पहले साइड में करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे ये जो हमारा MOV है, इस MOV को हम लोग इसमें सटाएंगे जहाँ पर लाइव और एक क्या लिखा हुआ है हमारा न्यूट्रल लिखा हुआ है। L देखिए यहाँ से लाइव और ये हमारा क्या है SW लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है न्यूट्रल है। तो इस MOV को हम लोग यहाँ पे चिपकाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ओवर करंट होता है या कुछ होता है तो ये MOV हमारा क्या होगा, ख़राब होगा, तो बल्ब को हमारा प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसको पहले क्या करना है, हमको इस तरह से यहाँ पे पैरेलल में इसको हम लोग हम लोगों ने नट से कस कर इसको हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है, इसका तो काम हमारा हो गया। अब देखिए अब मेन काम है इसमें हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए 2 तार लेना है और 2 तारों का करना है हमको इसमें प्लेस करना है। अब देखिए अब क्या करना है कि हमको इसमें सोल्डिंग करना है इस दोनों वायर को क्या करना है, इसमें बाहर निकालना है। देखिए अब क्या करिए कि यहाँ से सीधे इसमें जो होल बनेगा उसमें क्या करिए होल में डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसमें होल में डालकर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ
और इस बोर्ड में क्या है देखिए आप लोग, हम लोग डाल के इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ग्लो हो गया, ये बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा, अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा। और ये 10 रुपये में सबसे अच्छा बाथरूम के लिए लाइट है, आप इसको जरूर लगाइए एक बार ट्राई करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इस पर अगला भी और वीडियो बनाता रहूँगा किस तरह से और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर और भी किसी और भी DOB सर्किट में किस तरह से इससे अच्छा DOB सर्किट ला सकता हूँ। तो कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो तब तक के लिए बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।